नमस्कार एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जो कि गंभीर मानसिक रोगों में काम आता है। ये एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन है दोस्तों। इसका नाम है ओलांजेपिन और इसका फेमस ब्रांड नेम है ओलियांज। दोस्तों, ओलांजेपिन एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन है जो आजकल डॉक्टर्स साइकाट्रिस्ट काफ़ी उपयोग में करते हैं। और दोस्तों, आज हम इस बारे में इसके यूजेस, इसके क्या क्या उपयोग हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इस ये दवा काम कैसे करती है और इसको लेते समय कुछ सावधानियां, प्रिकॉशंस जो आपको रखनी चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में देंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको और देखने मिले। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं आज ओलांजेपिन ओलियंस के बारे में सारी जानकारी। दोस्तों, एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन है जो कि साइकोसिस यानी कि मानसिक रोगों पर काम करता है। इसकी जो उपयोग है वो जानिए आप। सबसे पहले है सिज़ोफ्रेनिया। दोस्तों, सिज़ोफ्रेनिया में पेशेंट को ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो होती नहीं, ऐसी चीज़ें सुनती हैं जो होती नहीं। जैसे कि पेशेंट को किसी को भगवान दिखेंगे, किसी को भूत प्रेत दिखते हैं, किसी को जानवर दिखते हैं, तो उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती, ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनती हैं जो होती नहीं। तो उनका जो सोचने समझने की शक्ति है, जो उनका बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो सब बदल जाता है। तो दोस्तों, सिज़ोफ्रेनिया में इसका उपयोग होता है। अर्ली ऑनसेट सिज़ोफ्रेनिया नहीं, सिज़ोफ्रेनिया के शुरुआत के लिए भी इसका ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। और मेंटेनेंस थेरेपी यानी सिज़ोफ्रेनिया बीमारी को काफ़ी दिनों तक ठीक करने के लिए भी इस दवा का उपयोग होता है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट यूज़ है सिज़ोफ्रेनिया। दूसरा दोस्तों इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर यानी एक तरह का डिप्रेशन। बाइपोलर यानी कि पेशेंट की दो अवस्थाएं रहती, मानसिक अवस्थाएं। एक तो होता है मैनियक कंडीशन यानी कि हाई, पेशेंट एकदम हाइपर रहता है, या तो ज़्यादा हंसेगा, ज़्यादा रोएगा, ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा, हद से ज़्यादा एकदम हाइपर, एक साइड तो ये हो गई। दूसरी साइड है डिप्रेसिव लो यानी कि एकदम फील लो करता है, उदास रहता है, अकेला बैठा रहता है। तो दो तरह की बाइपोलर हो गए, दो पोल्स, एक एक हाई मैनियक बोलते हैं उसको, मैनिया यानी पागलपन का दौरा, और दूसरा डिप्रेशन में रहता है, लो रहता है, तो बाइपोलर। बाइपोलर के अंदर भी दोस्तों इसका अच्छा उपयोग है टैबलेट ओलांजेपिन का। तीसरा इंपॉर्टेंट जो यूज़ है वो है टूरेट सिंड्रोम और स्टैमरिंग। टूरेट सिंड्रोम में यानी दोस्तों एक तरह से पेशेंट रिपीटेटिव मूवमेंट्स करता है और रिपीटेटिव साउंड्स करता है। रिपीटेटिव मूवमेंट्स यानी बार बार आंखों को ब्लिंक करना, शोल्डर्स को कई लोगों बार बार हिलाते रहते हैं, इस तरह से कुछ इनवॉलंटरी, उनको भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं। इनवॉलंटरी अपने आप रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते रहते हैं, या कुछ तरह की आवाज़ें निकलती हैं, कुछ गंदी बातें भी बोलते रहते हैं पेशेंट मुँह से। तो एक तरह से एक रोग है जिसको हम टूरेट सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें इसका उपयोग है। और एक स्टैमरिंग यानी कि स्टटरिंग यानी कि हकलाना, कई पेशेंट को हकलाने की आदत होती है जिसमें स्मूथ फ्लो ऑफ स्पीच डिस्टर्ब हो जाती है, उसके अंदर भी टैबलेट ओलांजेपिन का उपयोग होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है वेट गेन। कई लोगों में वेट गेन नहीं होता, उसके पीछे एक मानसिक कारण होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। कई लोग सोचते हैं कि मुझको एकदम अपने हीरो हीरोइन जैसा बनना, आइडल के पीछे पड़ जाते हैं, उनको भूख बंद हो जाती, कई दिनों तक खाते नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज करते रहते हैं और उनका वेट लॉस होता, वेट गेन नहीं होता, उनको भूख नहीं लगती। तो ऐसे पेशेंट में जिनको एक मानसिक कारण बन जाता है वेट गेन न करने का, उसके अंदर भी टैबलेट ओलांजेपिन का उपयोग होता है। बाद में दोस्तों कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग यानी कि कैंसर थेरेपी के अंदर जो कीमोथेरेपी, जो कुछ हाई पावर्स की मेडिसिन होती है, उसके वजह से जब कैंसर पेशेंट को लगातार वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती है, उबाक होती है और वो नहीं रुकती, तब टैबलेट ओलांजेपिन का उसमें उपयोग होता है। दोस्तों ओलांजेपिन काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क्स। ये टैबलेट, ये दवा हमारे ब्रेन के अंदर दो हॉर्मोन्स, इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स, सीरोटोनिन और डोपामाइन, सीरोटोनिन और डोपामाइन, ये जो केमिकल्स है इनके लेवल को मेंटेन रखती है और पेशेंट के अंदर उसके जो मूड्स है, उसके जो थॉट्स है, उसके बिहेवियर है, उसको अफेक्ट करके ये सिज़ोफ्रेनिया गंभीर, ऐसे गंभीर बीमारियों में पेशेंट को ठीक होने में मदद करती है। तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, खासकर डोपामाइन सीरोटोनिन लेवल को मेंटेन करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जानते हैं। इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स है दोस्तों वो है वेट गेन, वज़न बढ़ाता है। आपके शरीर के अंदर अत्यधिक ग्लूकोज लेवल्स बढ़ा सकता है यानी कि ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो सकती है,
ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी बढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी इन पेशेंट्स को हम मेडिसिन देते हैं तो इनका वेट, इनके शुगर, कोलेस्ट्रॉल को चेक करता रहना पड़ता है। बाकी इसके साथ में मूवमेंट डिसऑर्डर्स, पेशेंट को कई बार मूवमेंट, उसके चलने फिरने में भी दिक्कतें आती है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो है डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं वो है वेट गेन, ब्लड शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे आप। हाउ टू टेक दिस मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है ये, आप याद रखेंगे कि सिर्फ डॉक्टर्स के ही प्रिस्क्रिप्शन पे इस मेडिसिन लेना है। ये एक हैबिचुअल मेडिसिन बन सकती है, यानी कि हैबिट फॉर्मिंग बन सकती है। इसलिए भी सिर्फ डॉक्टर्स ही आपको इसका डोज डिसाइड करेंगे, इसका डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर्स आपकी कंडीशन देके डिसाइड करेंगे। इस टैबलेट के लेने के आपको हो सकता है 10-15 दिन लग जाए आपके असर दिखने के लिए। तो डू नॉट स्टॉप दिस टैबलेट सडनली, अचानक बंद करने से आपके सिम्टम्स, आपकी बीमारी बढ़ सकती है। इस टैबलेट को आपको चू क्रश नहीं करना है, पानी के साथ में निगल लेना, स्वेलो करना है। कृपया इसको फिक्स टाइम पे लीजिए, जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इसके अलग अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं, जैसे कि 2.5 mg, 5 mg, इस तरह से अलग अलग स्ट्रेंथ्स, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, अलग अलग स्ट्रेंथ्स में टैबलेट आती है। लगभग 80 से 100 रुपये के आसपास का इसका पत्ता होता है। दोस्तों, अब आपके जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, अल्कोहल और ड्राइविंग के साथ, अगर अल्कोहल आप ले रहे हैं तो इस टैबलेट को मत लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ अनसेफ है, डिजीनेस बढ़ा सकता है, स्लीपीनेस बढ़ा सकता है, ड्राइविंग करते समय अनसेफ है, एक्सीडेंट प्रोन हो सकते हो आप, क्योंकि इसको नींद वगैरह ज़्यादा आती है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है और प्रेग्नेंट होने की संभावना या प्रेग्नेंट हैं तो आप कॉशन के साथ लीजिए, कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग दिस टैबलेट। और अगर आप लीवर और किडनी डिजीज है तो नॉर्मली सेफ है, हो सकता है कुछ डोज एडजस्टमेंट करना पड़े, लीवर और किडनी डिजीज में डोज एडजस्टमेंट करना पड़े। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग में कंसल्ट योर डॉक्टर, अल्कोहल और ड्राइविंग के साथ अनसेफ है। अगर आप एल्डरली हैं, आपकी उम्र 65 साल से ऊपर है, तो डॉक्टर हो सकता है इसका उपयोग ना करें, या करें तो बहुत ही सावधानी के साथ, क्योंकि एल्डरली लोगों में ये लेने से स्ट्रोक यानी कि लकवा होने का खतरा होता है। जो दोस्तों इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इस मेडिसिन के बारे में, एक तो इसको कभी भी सडनली बंद नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया था, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, सिर्फ आप डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन भी लेंगे, अचानक से बंद नहीं करना। और हमेशा आपका वेट है, आपका शुगर है, ब्लड शुगर लेवल है, कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहिए, क्योंकि इनमें दिक्कतें आती है, कई पेशेंट में बढ़ जाते हैं, और डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पर ही इस दवा को लेना है। दोस्तों, आशा करते हैं आज हमने जो आपको मेडिसिन की जानकारी दी, टैबलेट ओलांजेपिन, ब्रांड नेम ओलियांस, जो कि सन फार्मा का है, उपयोगी होगी। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो जो भी आपके कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको लाकर और दे सकें। तो दोस्तों डॉक्टर योगेंद्र, मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।